हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हम साउंड वर्ड्स ओवल्स को जान लेते हैं तो सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमको इंग्लिश का प्रोसेस सीखना होता है। कैसे दिस दैट दोज दिजेज वन मैनी, इस प्रकार से हम धीरे धीरे शब्दों को वर्ड्स को इंग्लिश में जानते हैं और सीखते हैं, तो हमको इनके बारे में पता चलता है कि कौन से वर्ड से कैसे हम बना सकते हैं वर्ड्स और जान सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम कि हम आज क्या पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ते हैं? वन एंड मैनी। वन क्या होता है और मैनी क्या होता है, वन से मैनी कैसे बनाया जाता है, ये हम सीखेंगे। इससे पहले कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वन वन का मैनी कैसे बनाते हैं? जब भी हम वन को मैनी बनाते हैं, मीन्स वन को ज्यादा, मैनी मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा होता है उसको मैनी कहते हैं। वन मीन्स वन और मैनी मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा, उसको मैनी कहते हैं। तो चलिए हम वंस और मैनी का सीखते हैं कि वंस से मैनी कैसे बनाते हैं और अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि वन का मैनी कैसे बनता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस और मैनी मीन्स वी एंड एस टू द वर्ड टू मेक इट मोर देन वन और मैनी मीन्स वन का मैनी मीन्स वन नॉट मैनी बनाने के लिए मैनी नट्स एस का फॉर्मूला वन नट्स मीन्स एक और ज्यादा के लिए मैनी नट्स इस प्रकार से वन बेल मीन्स एक बेल और मैनी का ज्यादा तो बेल में क्या लगाते हैं एस तो क्या हो जाएगा ज्यादा एक से ज्यादा तो क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है बहुवचन मीन्स ज्यादा वंस का एक वचन हिंदी में एक वचन वन का एक वचन और इंग्लिश में प्लूरल का बहुवचन इसको वंस और मैनी कहते हैं। फिर वन टीन को फोर टीन्स मीन्स वन टीन को एक से ज्यादा बनाने के लिए एस लगता है। जैसे वन टीन को फोर टीन्स में बनाने के लिए एस लगा तो क्या हुआ वन टू थ्री फोर टीन्स। यहाँ क्या है वन टीन, इसमें एस नहीं है क्योंकि एक वचन एक ही है तो ये वन टीन है और ये फोर टीन्स मीन्स मैनी हो गया ज्यादा हो गया इसलिए ये एस लगा है। इसमें भी वन पोट को सिक्स पोट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन पोट को मैनी बनाने के लिए क्या किया है एस लगाया जाता है मीन्स प्लूरल को बनाने के लिए एस लगता है वंस का मैनी वन का मैनी। इसी प्रकार से वन फैन कितना है वन फैन तो मैनी बनाने के लिए वन से ज्यादा क्या कहते हैं मैनी उसके लिए टू फैंस वन टू तो क्या हुआ काउंटिंग हुआ तो क्या हुआ उसमें नंबरिंग लगेगा और काउंटिंग नहीं हुआ तो मैनी लगेगा तो क्या दिया दो फैन है तो टू फैंस इसमें एस लगेगा। इसमें भी वही वन बेड इसमें भी काउंटिंग वन टू थ्री है तो क्या लगा थ्री बेड्स एस तो लगेगा लेकिन क्या है काउंटिंग वाला है तो नंबरिंग से लगेगा एस लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे काउंटिंग नहीं लगाया जाता तो क्या लगता मैनी नट्स और काउंटिंग है तो क्या लगा है थ्री बेड्स। यहाँ पे अगर फोर फाइव सेवन एट नाइन काउंटिंग रहता है तो क्या लगता है काउंटिंग नंबर लगता है और नहीं रहता है तो मैनी लगता है। इस प्रकार से हमने वंस और मैनी को देखा और जाना। इसी प्रकार से आप और भी शब्दों को बना सकते हैं और सिखा सकते हैं कि कैसे जैसे वन चेयर का मैनी चेयर्स बनाने के लिए बहुत सारा चेयर होगा जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते तो उसमें काउंटिंग मैनी चेयर्स लगता और काउंटिंग करते तो मीन्स फाइव सिक्स जितने भी चेयर होते उसमें क्या रहा है सिक्स चेयर्स लेकिन सी एच ए आई आर एस एस लगता है उसमें। इस प्रकार वन लीफ होता उसको मैनी लगाने के लिए वो तो काउंटिंग नहीं है
बहुत सारे अगर पेड़ पे पौधे हो, पेड़ पे पत्ते होते तो उसको तो गिना नहीं जाता, उसमें मैनी लिप्स होता। उसी प्रकार स्टार भी वैसे ही है, स्काई में स्टार वन को बोल सकते वन स्टार। इस प्रकार से अगर मैनी बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, मैनी स्टार्स। इस प्रकार से हमने आज वन और मैनी को जाना और सीखा। हम अपने बच्चों को इसी प्रकार से वन और मैनी के फार्मूला को बता सकते हैं और सिखा सकते हैं कि वंस और मैनीज का यूज कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही सीखते हैं हम आसान से आसान शब्दों में कि वंस और मैनीज का यूज कैसे होता है छोटे क्लास के लिए, वन टू क्लास के लिए।